तो गाइस जो मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन था वो डिसेबल्ड हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरी इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस टाइप का जो मैंने अभी पहले रिएक्शन दिया वो भी आपका रिएक्शन हो सकता है और आपका जो चैनल है वो डिसेबल्ड, आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका जो चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप इस टाइप की वीडियोस हमेशा हमेशा के लिए मेरे इस चैनल पर देख पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं क्या करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को जब स्टार्टिंग करते हैं 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया एंड 1000 सब्सक्राइबर रहता है वो सब जब पूरा कर लेते हैं, पूरा करने के बाद अब क्या वो मोनेटाइजेशन के लिए सब कुछ अप्रूवल कर देते हैं। सब कुछ अप्रूवल होने के बावजूद भी क्या होता है, अप्रूवल हो जाता है देन वो दो या फिर तीन गलती ऐसी कर बैठते हैं जिनसे उनका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाता है, मतलब मोनेटाइजेशन जो उनके चैनल का वो डिसेबल्ड हो जाता है परमानेंटली। अब ऐसी क्या कौन सी गलती करते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब अपनी खुद के जीमेल आईडी से अपना खुद का वीडियो कभी भी वॉच नहीं करनी है, ठीक है। पहला, आप बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल्ड हुआ, अपने जीमेल आईडी से यूट्यूब खोला, यूट्यूब का होम पेज पे गए, वहाँ पर देखा अपने वीडियो को, मतलब अपने वीडियो का एनालिटिक्स में जाके वहाँ पर क्लिक कर दिए लिंक में या फिर किसी को शेयर किए व्हाट्सएप पे और उसी लिंक में क्लिक करके देखने लगे अपने वीडियोज़ को कैसा बना है नहीं बना है। तो ये गलती सबसे बड़ा गलती है। यूट्यूब कहता कि अपनी वीडियो को खुद अगर देखेंगे कि यार गजब करोगे कि यूट्यूब अपनी वीडियो को अगर खुद देखोगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, मतलब आपका जो भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक शॉप खोलोगे एंड अपने शॉप की जितनी भी प्रोडक्ट्स है और एंड सभी प्रोडक्ट्स को आप खुद ही इस्तेमाल करोगे, खुद ही लोगे, अपने जितना भी प्रोडक्ट्स है सबको इस्तेमाल करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है वो कितना तक रहेगा, क्या होगा। तो गाइज एआई आपको नहीं करनी, आपका जो भी आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन अगर इनेबल्ड हो गया होगा तो आपको अपनी वीडियो को खुद से वॉच नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आपकी वीडियो पर कम व्यूज आती है, अगर आपके चैनल पर अगर कोई वायरलेड वीडियो नहीं है, मतलब वायरल हुआ वीडियो नहीं है, तो आपको अपनी वीडियोस का जो भी जिस वीडियोस पर आपको अगर आप परमानेंटली अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हो एंड आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आती है तो आपको अपनी वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल्ड नहीं करना, नहीं तो आपको इनवैलिड क्लिक लग सकता है आपके चैनल पर एंड जो आपका गूगल एडसेंस है वो डिसेबल्ड हो सकता है, मतलब मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड हो सकता है। यही बात है गाइस, इसी तरह से आपको सचेत रहना है एंड अपने यूट्यूब चैनल पर ये सब गलतियां, दो गलतियां नहीं करनी है, देन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ठीक ठाक चलेगा। तो गाइस अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स से रिलेटेड और बहुत सारी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।